एसडीएम ज्योति मौर्या और उनके पति के बीच चल रहे विवाद पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ज्योति मौर्या और उनके पति के बीच जारी विवाद की खबरों के बीच पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आई महिला सीमा हैदर को लेकर अब बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल बीबीसी से बात करते हुए पाकिस्तान से भारत आई महिला सीमा हैदर को लेकर उसके पति ने एक बड़ा खुलासा किया है। जानकारी के लिए आपको बताएं तो सीमा हैदर को लेकर फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है कि कहीं सीमा हैदर पाकिस्तान की किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए तो भारत नहीं आई है। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर को महिला बैरक में रखा गया है, जहां उससे जांच एजेंसियों के द्वारा पूछताछ की जा रही है। जेल अधिकारियों ने बताया है कि सीमा और उसके चारों बच्चों को एक साथ रखा गया है और सीमा अपने प्रेमी सचिन से मिलने के लिए बार बार गुहार लगा रही है। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। हमारी शादी करा दें, हमारा घर बसे बस। सीमा हैदर को लेकर संदेह की सुइयां इसलिए भी घूम रही हैं क्योंकि सीमा नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी। आपको बताएं तो पाकिस्तान की महिला सीमा हैदर के पति का अब इस मामले में बयान सामने आया है और उसने बताया है कि सीमा भारत के सचिन के प्यार में कैसे पड़ी और इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। इस पूरे मामले को लेकर सीमा हैदर के पति ने एक इंटरव्यू में बताया है कि सीमा भारत के सचिन मीणा से पबजी गेम के जरिए कुछ साल पहले संपर्क में आई थी और गेम और फोन के जरिए बातचीत से ही सीमा और सचिन की दोस्ती गहरी हुई। सीमा के पति गुलाम हैदर ने बताया है कि वो सऊदी अरब में नौकरी करता है और पिछले 3 साल से वो सऊदी में ही रह रहा है। गुलाम के मुताबिक इंटरनेट ऑन होने के बावजूद जब सीमा का फोन नहीं लगा तब उसने अपने साले को उसके पास भेजा, जहां पहुंचने पर मकान मालिक ने बताया कि सीमा गांव में घर खरीदने के बाद कहकर यहां से चली गई है और फिर वो वापस नहीं लौटी। गुलाम के मुताबिक गांव में पता करने पर जानकारी हुई कि उसने घर और सभी गहने बेच दिए हैं और बाद में पता चला कि वो दुबई और वहां से फिर नेपाल और फिर वहां से भारत चली गई है। गुलाम का कहना है कि उसकी पत्नी बह गई थी और अब उसे बच्चों के साथ वापस आ जाना चाहिए। गुलाम का कहना है कि सीमा का तलाक का दावा भी झूठा है, उन्हें सीमा पर विश्वास था और इसलिए उसने अपने घर को भी सीमा के नाम पर रखा था। हालांकि सीमा हैदर भारत अपने प्रेमी के लिए ही आई है या फिर इसके पीछे कोई और साजिश है, ये तो जांच एजेंसियों और पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा।